पत्र समिति की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। मूणत ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 में जन घोषणा पत्र जारी किया वह आज भी अधूरा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के शोषण पत्र का है। एक बार भी फिर चुनाव को लेकर झुंझुना पकड़ाने की तैयारी में कांग्रेस है। कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी, किसान, नौजवान, महिलाएं सबको ठगने का काम किया है। जनता इनके घोषणा पत्र को जान चुकी है। वह तो चिंता करे कि जितने घोटाले छत्तीसगढ़ में नए नए आयाम के साथ किए हैं उसका श्वेत पत्र जारी करे। खनिज माफिया, भू माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया, अनाज माफिया, गोठान माफिया, चारा माफिया, और अब तो बचा कुचा एक नया तरीका जो लगातार 3 साल से भाजपा के लोग उठा रहे हैं। हम लोगों ने लगातार इस चीज को उठाया। ये कोई चीज छुपी हुई थोड़ी है, गली मोहल्ले बच्चे को मालूम है कि कौन चला रहा था महादेव ऐप, और इसको लेके इतने कुआं कुछ रेल में, कुछ जेल में, कुछ बेल में, कुछ भविष्य के इंतजार में। बिहार के सीएम